तो अभी बाइक चाचा जो थे ना बाइक में, चाचा चले गए बाइक लेकर के उस तरफ चले गए थे पहाड़ की तरफ बारिश की वजह से। वही क्या और हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और मैं बता ही दे रही हूँ हम शिरडी जा रहे हैं, शिरडी दर्शन करेंगे और फिर आगे का क्या प्लान है ये तो सर को पता होगा, सर ही बताएंगे और सर ही कराएंगे आगे का प्लान, क्योंकि इनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। मैं कितना भी सोच लूं सर ये तो है नहीं ऐसा कुछ भी। ये क्या था और रोड की हालत देख लो भाई तुम कितनी खराब, रोड की हालत सर अभी कैमरामैन दिखाता है सर ये देखिए तो ये रोड की हालत है, ये रोड बन रही है या बन के टूट गई है? एक्चुअल में नहीं बन रही है काम चल रहा है जी सर। क्या नहीं रोड बन रही है, बाकी पीछे रोड अच्छी थी बट बहुत जगह जो है महाराष्ट्र में मुंबई में बहुत जगह सड़कों का काम चल रहा है, इसकी वजह से जाम भी बहुत लग रहे हैं यार, ट्रैफिक जाम तो लाइक बहुत ज्यादा हो रहे हैं पर ठीक है इट्स फाइन। और ये कैमरामैन हिलते डुलते तुड़न ताड़ी रोड से टकराते हुए हम इस तरीके से कैमरा हिल रहा है, इसके लिए खेद है, हम माफी चाहते हैं। और लेकिन मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये देखिए बादल देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है सब सामने सन, सन देखो पहाड़ों पे कितनी है वो। हाँ वो देखो कहीं धूप कहीं छाव, अरे भगवान की देखो माया कहीं धूप कहीं छाव, ये हमारा गांव। बाय द वे मैं ये नहीं बोल रही थी भगवान की देखो माया कहीं धूप कहीं छाया, ये भगवान की देखो माया पलट दूंगा मैं तेरी काया। शायद आप लोग खुश हुए ये बहुत पक गए, मुझे नहीं पता ये ब्लॉग हम क्या बना रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता। इस ब्लॉग के टाइटल का नाम ये देने वाला है कुछ भी ब्लॉग, तो ये कुछ भी ब्लॉग आपको कैसा लगा अभी मत बोलिएगा, कमेंट कर दीजिए अच्छा लगा। बाकी तो ये अभी सफर शुरुआत ही है, अभी हम पता नहीं क्या क्या करें और कहाँ कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे ऋषभ सो रहा है ये देख लीजिए चुपचाप सो रहा है, इस एज में बच्चा करे तो क्या करे, और इस एज में बच्चा शांत रहे तो कैसे रहे। हाँ कभी मोबाइल लेकर गेम खेलती है, कभी सारे बिस्किट्स खा जाती है, कभी केक खा जाती है, तो क्या करके रखा है तुमने इस छुट्टी में भाई, क्या कर रखा है ये। तो हम सब एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि अभी वही रास्ते कुछ बोला इसने शायद से हम उसमें भी जाएंगे, देखिए शायद इसलिए क्योंकि वही बोला ना सर क्या कराएंगे, सर को ही पता है कि ये ट्रिप आज ही है या फिर कल भी है पता नहीं, ये तो अब ब्लॉग में बने रहो ना यार देखते रहो क्या क्या होते हैं। और हम यहाँ पर रुक चुके हैं, ऋषभ भी उठ नहीं गया है बल्कि किसी ने उठा दिया है, तो मैं लंच अभी तो लेकर आई थी घर से क्योंकि रीजन ये है कि जीविका एक दो दिन बाहर का भी खाई है, तो बच्चों को जितना बाहर का कम खिलाए ज्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच घर से पॉसिबल। हाँ गाइस आप लोगों को दिखाऊं वो बाद में, पहले मैं बात कंप्लीट कर लूं। तो ये मेरा न्यू कलर, वाओ। तो घर से मैं पूड़ी भाजी लेकर आई हूँ भाई, बाहर आकर घर का पूड़ी भाजी खाना बड़ा मजा आता है ना। यहाँ पर है पूड़ियां लाई हूँ मैं और इसमें सब्जी, ये देखिए सब्जी है। तो यहाँ खाने को एंजॉय किया जा रहा है भाई, मजा आ गया। आलू गोभी की सूखी भाजी और पूड़ी, ओहो और रास्ते का सफर, ओहो जन्नत। ऋषभ सोच रहे लेकिन ये हो क्या रहा है। ऋषभ घर से तो उपमा खा लिया था लेकिन अभी बाहर उसके लिए सोचना पड़ेगा। यम्मी। मुझे तो पता नहीं अचानक मुझे ठंड सी लगने लगी, और मैं हमेशा मेरा हमेशा का ही है कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो शॉल या फिर कुछ मतलब कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे मैं मुझे ठंड लगे तो मैं खुद को प्रोटेक्ट करता हूँ। और ये पीछे चला गया अपनी दीदी के पास। किसी को भी ठंड नहीं लग रही है, मुझे लग रही है और आप लोगों को लग रही है, मुझे भी लग रही है। आपने आपको भी तो दिया था उड़ने के लिए, मैंने तो यही है। अब देखिए अब हम बस एक डेढ़ घंटे में शिरडी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक होटल बुक नहीं किया है, बाहर बाहर खड़े वहाँ पे कर रहे हैं वो होटल बुक, देखते हैं क्या क्या हुआ। आप बुक किया अपने होटल? नहीं नहीं देख रहा। तो सर्च कर रहे हैं देखते हैं कौन सा
दो दिन से सर्च कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको क्वालिटी चाहिए, इनको मतलब फैमिली कंफर्ट रहे, सब चाहिए, मतलब इतना कुछ चाहिए, इतना कुछ चाहिए, इतना कुछ चाहिए, पता नहीं चलता। यार ये देखो बूंदे दिख रही है, बारिश आने वाली है। I love rainy season. छतरी नहीं लाई है। अरे हाँ यार, लेकिन क्या लग रहा है, ये जोर की बारिश आएगी? बोलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या इस ब्लॉग में आपको जोर की बारिश देखने को मिलेगी दोस्तों? यार नहीं, अब तो बारिश आने वाली है सच में। फाइनली देखिए बारिश, मैंने बोला था ना बारिश होगी। ये देखो मैंने बोला था ना बारिश होगी। हाँ तो मैंने क्या, तूने क्या था, मैंने ही बोला था। अभी तो अभी बारिश, चाचा तो थे ना बाइक पे, चाचा चले गए, बाइक लेकर के उस तरफ चले गए थे पहाड़ की तरफ बारिश की वजह से। वही क्या बात है, क्या बात है, साईं बाबा का आशीर्वाद है ये, हम आए और बारिश भी, वाओ। ये होटल की लॉबी में बच्चों के लिए था, तो ऋषि को भी हमने सुला दिया और ऋषि इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जैसे और फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिरडी होटल में, और यहाँ पर देखिए इतने ज़्यादा ये थके पड़े हैं कि पूछो मत, इनकी हालत गंभीर हुई पड़ी है थकावट से। अभी तो दर्शन करने जाना है। जीविका नहीं, जीविका को देखो, जीविका नहीं बेटा, ठंडा तो नहीं है ना, गरम है पूरा है। हाँ। और ऋषि भी यहाँ से देख रहा है, वो देख रहा है गुब्बारे खाए के। और यहाँ पर हम आ गए हैं डिनर करने के लिए, अभी डिसाइड नहीं किया है। इस रेस्टोरेंट में एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पाव भाजी नहीं था और जीविका को पाव भाजी खाने का मन था, तो अब हमने फाइनली डिसाइड किया है कि यहाँ पर आकर खाएंगे। अब देखते हैं यहाँ का पाव भाजी कैसा है। तो सीरियसली बताऊँ, ये तो खाने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि ये पाव भाजी बहुत ही बेकार था। मतलब समझ में नहीं आया कि पाव इतना कड़क क्यों है। और डोसा भी ठीक ही ठाक था। तो यही था हमारा आज का डिनर, और सांभर देख लो पानी है। रात को तो व्लॉग एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग पहले मैं एंड कर दूँ, तब दूसरा व्लॉग स्टार्ट होगा। रात को काफ़ी लेट आए थे हम डिनर करके, और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऋषि सो रहा है, और जब बच्चे बाहर आते हैं तो बहुत मुश्किल से सुलाना पड़ता है, नई जगह तो बच्चे एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर देखो पूरा जंगल ही जंगल है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये कह रही थी ये व्लॉग मैं एंड करूँगी, तब जाकर आगे स्टार्ट करूँगी नया व्लॉग। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, हम जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट करने, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग को भी इन्जॉय कीजिएगा जब आएगा। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।